आपने उसे चलना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, आपने उसे ब्रेव बनाया, तो अब आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पीरियड किट यानी क्या? पीरियड किट में क्या क्या होता है? वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड बाय सारिका। अवेयरनेस की सीरीज में पिछले हफ्ते देख लिया था कि प्यूबर्टी मीन्स व्हाट। तो अगर आपसे ये वीडियो छूट गया है तो आप प्लीज़ वो वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है प्यूबर्टी के साइंस क्या होते हैं, प्यूबर्टी मीन्स व्हाट, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चियों का पीरियड आने वाला है, हमें कब पता चलेगा, एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब बच्चियों के पीरियड नॉर्मल एज से पहले आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल एज से पहले उनके पीरियड्स आने वाले हैं। ओके, तो ये इतना सारा मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे बच्चियों का जो फर्स्ट पीरियड आएगा तब हमें एज अ मदर क्या करना होगा या हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना होगा। ओके, सो मेरी खुद की भी एक छोटी सी नन्ही सी परी है तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा वरीड रहती हूँ, इसलिए मैंने ये अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मम्मियों को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बच्चियों का फर्स्ट पीरियड आ गया, इट मीन्स इट इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ दैट हमारी बच्चियों का यूट्रस नॉर्मल है, उनकी हेल्थ नॉर्मल है एंड उनकी ग्रोथ नॉर्मली हो रही है, उनकी प्यूबर्टी नॉर्मल एज ग्रुप में आई है एंड अगर उनका पीरियड भी नॉर्मल एज ग्रुप यानी 8 to 13 जो होता है ये नॉर्मल एज ग्रुप कंसिडर किया जाता है, तो इस एज ग्रुप में अगर उनका पीरियड आया है तो इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्यों आ गया। हमारे लिए तो हमारी बच्चियाँ छोटी ही होती है तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि इतनी जल्दी क्यों आया, इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, लेकिन पीरियड आ गया तो ये अच्छी भी बात है, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि बॉडी अच्छे से काम कर रही है एंड नेचुरली काम कर रही है। आपने उसे चलना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, आपने उसे ब्रेव बनाया, तो अब आपकी बेटी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस फेज में। जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तभी से वो बहुत ज़्यादा बौखला जाती है, उसके इंटरनल चेंजेस, उसके मूड स्विंग्स, उसके बॉडी चेंजेस, जो फिजियोलॉजिकल बॉडी चेंजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम औरतों को पता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट से डील करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, टीजिंग भी होता है एंड वो गंदे गंदे लुक्स न जाने क्या क्या बच्चियों को सहन करना पड़ता है, तो वो चिड़चिड़ वगैरह तो करती ही है। एंड इस फेज में बच्चियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मम्मी की, पापा की, मतलब पेरेंट्स की। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, पीरियड आया है तो हम ही डर जाएंगे तो हमें देख के तो बच्चियाँ और ज़्यादा डर जाएंगी, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देख लें। सो जब हमें प्यूबर्टी के साइंस दिखाई देते हैं, प्यूबर्टी के साइंस क्या होते हैं ये पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो जब हमें प्यूबर्टी के साइंस दिखाई देंगे तभी से हम बच्चियों के साथ पीरियड्स के बारे में बात करेंगे तो उन्हीं के लिए अच्छा होता है। अगर इनकेस आपने नहीं बात की है, आपसे छूट गया है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, अब वो वक्त है पीरियड के बारे में बात कीजिए। तो जब प्यूबर्टी के साइंस दिखाई देंगे तभी से नहीं लेकिन उसके 1.5 या 1 साल बाद आप पैंटी लाइनर्स यूज़ करना चालू कर दीजिए आपके बच्चियों के लिए। उसको ना अंदर से डबल कोटेड कॉटन आ जाता है, उससे क्या हो जाएगा क्योंकि सडनली वन डे पीरियड आ जाएगा ना, कोई डेट तो डिक्लेयर होगी नहीं, और दो प्यूबिक हेयर एंड अंडरआर्म हेयर ग्रोथ के 1 साल या 1.5 साल बाद पीरियड आ ही जाता है 100%, लेकिन वो 1 साल या वो 1.5 साल कौन से डेट को कंप्लीट होगा ये हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम पहले से ही वो पैंटी लाइनर्स वाली पैंटी अगर बच्चों को पहनाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर इनकेस बच्चियाँ बाहर होंगी स्कूल में या कहीं और जगहों पे और उनका सपोज पीरियड आ भी गया तो उन पैंटी लाइनर्स की वजह से कपड़े खराब नहीं होंगे, तो इसलिए पैंटी लाइनर्स बहुत हेल्पफुल। सेकेंडली हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें बच्चियों के साथ ओपनली बातें करनी है, हमारी बेबीज जो जो हमें क्वेश्चंस करेंगी उनके क्वेश्चंस के उनके एज के हिसाब से हमें आंसर करना ही होगा, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, हम जितना ज़्यादा उन्हें अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा उनका कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो वुमन बॉडी के रिगार्डिंग एंड पीरियड के रिगार्डिंग उनसे हम जितना ज़्यादा खुद से या उनके क्वेश्चन के आंसर जितना हम करेंगे उतना अच्छी बात है। डू नॉट प्रोवाइड एक्स्ट्रा नॉलेज प्लीज़,
क्योंकि पीरियड्स में पीरियड क्रैम्प्स होते हैं एंड पेनफुल पीरियड होता है, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये बहुत डरावना है कि पीरियड क्यों आया, ये क्यों है, ये क्या है। तो ब्लड देख के तो कितने ही लोग डर जाते हैं, तो छोटी छोटी बच्चियाँ तो कितनी डर जाएगी वो ब्लड देख के। इसलिए एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं प्रोवाइड करना है, जितना बच्चियाँ क्वेश्चन करेंगी बस उन्हीं के आंसर हम जितना दे सकते उतना शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर देंगे, और वो भी स्माइली फेस के साथ या एटलीस्ट काम फेस के साथ। हम ही डर जाएंगे, हम ही बोलते वक्त ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वगैरह साउंड करेंगे तो उनके लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली ही हो जाती है। तो मम्मी इतना डर डर के बोल रही है, इसका मतलब ये कुछ डरावना है, ये उनके दिमाग में बैठ जाता है, तो ये नहीं बिठाना है उनके दिमाग में। इसलिए ओके, तो फर्स्ट पीरियड आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पीरियड आने के बाद हमारी बेबी को नॉर्मल फील कराने के लिए हम उन्हें फर्स्ट पीरियड किट गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम जितना ज़्यादा उनको नॉर्मली ट्रीट करेंगे, जितना ज़्यादा हम खुद से ही नॉर्मल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतना वो भी हैप्पीली लेने की कोशिश करेंगे। ये तो पीरियड किट यानी क्या, पीरियड किट में क्या क्या होता है, वेट वाइप्स वो हॉट या कोल्ड कुछ भी, लेकिन वेट वाइप्स बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंड इज सैनिटरी डिस्पोजेबल बैग्स, सैनिटरी पैड्स, पैंटी लाइनर्स, हीट पैड और हॉट वाटर बैग, इंटीमेट वॉश यानी वी वॉश वगैरह कुछ भी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट। अ गुड पीरियड बुकलेट, अगर आपको कहीं से अमेजोन से वगैरह पीरियड बुकलेट मिल जाए तो वो आप उसको गिफ्ट कर दीजिए, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को बोला जाता है बायोलॉजिकल टर्म में मेनार्क, तो रिगार्डिंग मेनार्क बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें खुद ही से मिल जाएगी, उनके क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि हम जितना चाहे उनके साथ फ्रेंडली बातें करें लेकिन बच्चियाँ उतना खुल के हमारे साथ नहीं बोल पाती। ओके, इस फर्स्ट पीरियड किट के अलावा हम उन्हें एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस गिफ्ट करा सकते हैं, एक अच्छा सा चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो कि अच्छा ये जो मेरे साथ हो रहा है ये अच्छी बात है, मम्मा तो ये सेलिब्रेट कर रही है। बहुत सारी जगहों पे पीरियड आने के बाद उसके सेलिब्रेशंस होते हैं, उसकी पूजा रखी जाती है घर पे। मेरी तरफ से क्या सजेशन रहेगा कि सैनिटरी पैड का यूज़ अगर हम फर्स्ट फ्यू पीरियड्स के लिए करेंगे, क्योंकि उसको सेटल डाउन होने देना बहुत ज़रूरी है। एक तो पीरियड वजाइनल से ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत पेनफुल होता है और वो बहुत अजीब भी लगता है उनको, तो वो पहले ही उस कश्मकश से गुजर रही हैं, उनको डिप्रेशन में और नहीं डालना है हमें कि अब टैम्पॉन यूज़ करो, मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करो, ये भी होगा, ये बाद में देखा जाएगा। ओके, हम इतनी मैच्योर वुमन हो के हम डरते हैं टैम्पॉन एंड मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने में, तो बच्चियाँ तो बहुत ज़्यादा डर जाएंगी, तो उनको सेटल होने देना है एटलीस्ट फॉर फ्यू पीरियड्स। जब वो सेटल हो जाएंगी कि पीरियड्स आना इज अ नॉर्मल थिंग, उनको जब खुद से वो एक्सेप्ट कर लेंगी इस चीज़ को, तो वो एक साल हो सकता है या दो साल हो सकते हैं, उसके बाद वो खुद से ही टेम्पॉन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप की तरफ अगर टर्न हो गई तो वेल एंड गुड, या तो आप उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हो। नेक्स्ट, हमें उन्हें ये अश्योर कराना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड आना इज अ नॉर्मल थिंग, हर लड़की का पीरियड आता है और ये वंस इन अ मंथ फॉर 5 to 7 days होने वाला है, तो ये उनको बोलना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है, ये ब्लड क्लॉट्स क्यों निकल रहे हैं, इनके बारे में अगर बच्चियाँ क्वेश्चन करेंगी तो आंसर देना बहुत ज़रूरी है, स्वीट एंड शॉर्ट। ओके, बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है बच्चों को, एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत हार्मफुल होता है बहुत बारी। ओके, हमें उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है कि पैड्स टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत नेसेसरी है। ऑल्दो वो स्कूल्स में जाएंगी, फिर भी उन्हें आफ्टर 4 hours या उनका अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो बिफोर 4 hours उनको पैड चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हम जितना नॉर्मली ये सब सिखाएंगे, जितना नॉर्मली ये सब करेंगे, उतना ही नॉर्मली बच्चे एक्सेप्ट करेंगे। अगर बच्चियाँ आपसे खुद से बात नहीं कर रही है पीरियड के रिगार्डिंग, पीरियड आ भी गया, डर रही है, रो रही है, खुद से बात नहीं कर रही है, या प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है उनकी स्टेज, आपको दिखाई दे रहा है ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, प्यूबिक हेयर, अंडरआर्म हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अगर बच्चियाँ खुद से नहीं बात कर रही है तो आपको एज मदर खुद से उनके साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या हो, बच्चे सेफ फील करते हैं एंड हमारे साथ ओपन होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये चेंजेस बहुत ज़्यादा अलग, अजीब और डरावने भी है ना। तो हम उस फेज से गुजर चुके हैं, ये पहले तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है, ये चेंजेस हमारे साथ भी हुए थे,
हम ऐसे भी नहीं थे, हम पहले से ही एक वुमन नहीं है, हम भी चाइल्ड थे, फिर चाइल्डहुड टू वुमनहुड हमारी जर्नी उनके साथ सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स ही उनके साथ शेयर करनी बहुत अच्छी बात है। और क्या होता है, शी माइट हैव हर फर्स्ट पीरियड एंड उसके बाद 2 या 3 महीने तक पीरियड ही नहीं आएगा। दिस इज नॉर्मल। फर्स्ट 2 ईयर्स तक डॉक्टर बोलते हैं कि पीरियड कभी आता है कभी नहीं आता है, ये नॉर्मल है। तो उनके हिसाब से उनकी बॉडी को टाइम लेने दीजिए, एवरी टाइम मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। मेडिसिन दे के जबरदस्ती पीरियड्स लाना या पीरियड्स आना ही चाहिए ये फोर्स रखना गलत बात है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है तो आप आपके बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो, लेकिन इट्स नॉर्मल, कोई डरने वाला है। ये अवेयरनेस की सीरीज आपको पसंद आ रही है, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड आई होप आप सभी लोग मेरे चैनल को 100% सब्सक्राइब कर रहे हो। आपने जितना एडॉप्शन की सीरीज को मुझे प्यार दिया है, उतना ही प्यार मुझे आप आने वाले हर वीडियो में देंगे। आप सब ने पिछला वीडियो शेयर किया ही होगा एंड ये वीडियो भी आप जरूर शेयर करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।